देखो 10th क्वेश्चन, ये आपां ए दी वैल्यू पता करनी। क्वेश्चन पूरा नहीं नोट किया, सिर्फ मैं फंक्शन ही लिखिया वा। क्वेश्चन दे विच उन्होंने कहा कि एक कंटीन्यूअस आ, ते कंटीन्यूअस आ एग्जैक्ट जीरो ते किहदे इक्वल होना, जिदा आपां लिख दिंदे फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन इज कंटीन्यूअस। एक ते इहदे ते कर ली आपां लिमिट एक्स अप्रोचिज टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो, ये चीज़ आप लिखी लिमिट एक्स अप्रोचिज टू जीरो एफ एक्स की जगह पर वन माइनस कॉस ए एक्स हेठा एक्स साइन एक्स ते जीरो ते किन्ना वन बाय टू। इत्थे देखियो नैक्सट स्टैप दे विच आपां की चेंज करिए, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा की हुंदा टू साइन स्केयर, जेड़ा भी इत्थे एंगल आ उनू हाफ कर देईदा ए एक्स बाय टू, हेठा केड़ी चीज़ आ एक्स साइन एक्स, ये किहदे इक्वल आ वन बाय टू दे। सानू एक होर पता साइन एक्स बाय एक्स की हुंदा वन, जे लिमिट एक्स अप्रोचिस टू जीरो वे आ साइन एक्स दिता, आपां इहदे थले भी एक्स लिखता ते एक एक्स ना मल्टीप्लाई भी कराता, ठीक। साइन एक्स बाय एक्स किन्ना हो जाता वन, पहलो साइन एक्स ही ना थले भी एक्स लिखता ते उपर एक्स ना मल्टीप्लाई भी कराता, साडे कोल की बचता लिमिट एक्स अप्रोचिस टू जीरो, उपर बचिया टू साइन स्केयर ए एक्स बाय टू, हेठा किन्ना बचिया एक्स का स्केयर, केदे इक्वल आ वन बाय टू दे। लिमिट एक्स अप्रोचिस टू जीरो आवी स्केयर आ आवी स्केयर आ, टू जेड़ा इनू तो उदा रखिया, आपां की कीता साइन लिखिया ए एक्स बाय टू लिखिया, एक्स लिखिया दोवां दा स्केयर टोटल दा स्केयर करता, केदे इक्वल आ हाफ दे। सानू पता वा साइन थीटा बाय थीटा वन हुंदा, जे इत्थे ए एक्स बाय टू आ ते इत्थे भी ए एक्स बाय टू बनाईए, सानू केदी लोड़ आ ए दी, जे ए उपर लावांगे ए हेठां भी लाउणा पैणा, हेठां भी ते लाउणा ही पैणा, सानू होर केदी लोड़ आ टू दी, जे टू हेठां लावांगे ते टू उपर भी लाउणा पैणा। आ वेखो ए एक्स बाय टू बन गया, ते आ जेड़ा टू वा टू दा की होना स्केयर, आ ते टू उसे तरह जेड़ा आड़ा टू वा टू दा स्केयर हो गया फोर, जेड़ा सब तो हेठा ए ए उपर चल जाना, पर ए दा की होना स्केयर, स्केयर है ना, ते केदे इक्वल आ गए आ पूरा, ते फिर वन हो गया साइन थीटा बाय थीटा वन, ए केदे इक्वल आ गए वन बाय टू दे, टू वन जा टू टू जा फोर, टू ना टू कैंसल, ए स्केयर आ गया वन, ते ए दी वैल्यू किन्नी आ गई वन, स्केयर दा रूट पै गया, ठीक है। प्लस माइनस वन भी लिख लियो, नहीं तो पॉजिटिव ही लिख लियो, ए आ गया वन। नैक्सट समझियो, नैक्सट देखो वधिया क्वेश्चन है ये, नैक्सट आपां किद्दां करिए, आपां लभणा किन्नू होगा इहदे विच वी ए नू, ए नू लभणा, जे ते फंक्शन की हैगा कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस दा मतलब हुंदा वा जिद्दां आपां क्या फंक्शन की हैगा कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस दा मतलब आ लैफ्ट हैंड लिमिट किहदे बराबर राइट हैंड लिमिट किहदे बराबर एग्जैक्ट वैल्यू ते। लैफ्ट हैंड लिमिट किद्दां, जिद्दां मैं इत्थे दो भी लिख लिया, आ दोवें लैफ्ट हैंड राइट हैंड नूं रीप्रजेंट करदा पिया, ते आ वी ते उही हुंदा ना लैफ्ट हैंड लिमिट, जे च कही दा लिमिट एक्स अप्रोचिस टू जीरो नैगेटिव एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट जे च आपां कही दा लिमिट एक्स अप्रोचिस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, ते एक की आ एफ एग्जैक्ट जीरो ते। हुण इहना बैठे तीन तीन इक्वे लिखे ने टर्म्स, दो कोई सिलेक्ट कर लो जिहड़े तुहाडे काम आ सकण, एक्स ग्रेटर दैन जीरो, एक्स ग्रेटर दैन जीरो, फिर आ चीज़ आनी जे राइट हैंड लिमिट विच, राइट हैंड लिमिट विच एक्स लैस दैन जीरो, लैस दैन जीरो आ पूरी चीज़ आनी आ लैफ्ट हैंड लिमिट विच, जां इज इक्वल टू जीरो च भी ये आ सकदा। आपां की करिए, भावें इज इक्वल टू जीरो च लिख लो, जिद्दां एक मैं
राइट हैंड लिमिट सिलेक्ट कर लेना, एक मैं एग्जैक्ट जीरो सिलेक्ट कर लेना, की आऊगा लिमिट एक्स अप्रोचिज टू जीरो पॉजिटिव, एफ एक्स की जगह पर की आना टेन एक्स माइनस साइन एक्स ओवर एक्स का क्यूब, तो एग्जैक्ट जीरो की आना ए साइन पाई बाय टू, जिथे एक्स आ उथे सीधा ही जीरो भर दो, जीरो प्लस वन की आ जाना लिमिट एक्स अप्रोचिज टू जीरो पॉजिटिव, आ एक्स क्यूब उस तरह वेखे उन्हूं सॉल्व किदा करना, टैन एक्स, टैन एक्स नूं मैं लिख सकता साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये चीज़ आ गई साइन एक्स उपर उस तरह, इधर आ जाइए जीरो का कोई फायदा नहीं, वन किसी ना मल्टीप्लाई हो जाए उ आ जाता, आते खत्म हो गए साइन नाइनटी कि हों, वन साइन नाइनटी वन हों, जेड़ा एदा आंसर आऊगा उ वैल्यू होनी, कि आंसर पता करना लिमिट एक्स अप्रोचिज टू जीरो पॉजिटिव, एलसीएम लै लिए कॉज एक्स की आ जाना पूरे हेठा एक्स क्यूब उस तरह, इतें एलसीएम लिया कॉज एक्स एलसीएम आ गया, कॉस तो उपरला साइन एक्स उस तरह, दूजे ना कॉस मल्टीप्लाई हो गया साइन एक्स ते कॉस एक्स, एक ए दे इक्वल ए दे, आ कॉस एक्स हेठ आ जूगा इन्हां चो साइन कॉमन कर लो, की आ जाना लिमिट एक्स अप्रोचिज टू जीरो पॉजिटिव, साइन कॉमन कढ़िया अंदर की रह गया, इत्थे रह गया वन, इत्थे रह गया कॉस एक्स, ते हेठा केड़ी चीज़ आ गई कॉस एक्स के दे नाल आ गया एक्स क्यूब दे नाल आ गया, एक एदे इक्वल ए दे, इनू इधर पहलो समझ लियो फिर आ करांगे आपां, साडे कोल की हैगा वा लिमिट एक्स अप्रोचिज टू जीरो पॉजिटिव साइन एक्स, साइन एक्स हेठा केड़ी चीज़ आ कॉस एक्स नाल केड़ी चीज़ आ एक्स क्यूब, एक एदे इक्वल आ ए दे, आ ब्रैकेट आ ब्रैकेट की आ वन माइनस कॉस थीटा, इनू की लिखी था वन माइनस कॉस थीटे नू टू साइन स्केयर थीटा बाय टू, वन माइनस कॉस थीटा ये होना जे टू साइन स्केयर थीटा बाय टू, टू साइन स्केयर थीटा बाय टू इनू भी लिखता लिमिट एक्स अप्रोचिज टू जीरो पॉजिटिव साइन एक्स उस तरह, आ वेखो एक्स का क्यूब आ ना मैं ये थले एक एक्स लिखता, फिर अगे देखियो टू उस तरह केड़ी चीज़ आ साइन स्केयर एक्स बाय टू, ये थले मैं एक्स का स्केयर लिख दिना, आ वेखो एक्स क्यूब ही ना दो इनू मिल गए एक इनू मिल गया, उस तो अगे बचिया की कॉज एक्स, की बचिया कॉज एक्स, वेखो पूरा बैलेंस हैगा साइन एक्स, साइन एक्स टू टू भी उस तरह साइन स्केयर एक्स बाय टू, साइन स्केयर एक्स बाय टू, कॉज एक्स उस तरह क्यूब नू मैं इतना एक्सपेंड करता, ठीक है हुण इत्थे की आ जीरो पॉजिटिव, इनू एच दे टर्म्स विच बदलीए लिमिट एच अप्रोचिज टू जीरो, इत्थे की आऊगा साइन जीरो प्लस एच हेठा जीरो प्लस एच, आ टू उस तरह इत्थे की आऊगा साइन स्केयर जीरो प्लस एच, टू उस तरह इत्थे भी की आऊगा जीरो प्लस एच उपर की आ इहदे स्केयर डॉट वन बाय कॉस जीरो प्लस एच ते ए, जीरो एच च ऐड होवे एच ही रह जाना, इत्थे भी एच आ गया इत्थे भी एच आ जाना, एच बाय टू आ गया एच का स्केयर हो गया, जीरो प्लस एच की हुंदा वा एच हुंदा, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा वन, वन हो गया, नैक्सट आ टू जेड़ा ना इनू इत्थे इत्थे रहिंदी है, इत्थे भी आपां बनाईए लिमिट एच अप्रोचिज टू जीरो, की बचिया टू बचिया साइन एच बाय टू हेठा एच, आ जेड़ा स्केयर आ ये मैं होल दा करता नाल केड़ी चीज़ आ इत्थे भी एच मैं जीरो भरदा, कॉस जीरो किन्ना हुंदा वन, ये भी खत्म करता साइन थीटा बाय थीटा वन, तो कॉस जीरो भी किन्ना हुंदा वन, हुण इन्हां दोनों नू सेम करना, इत्थे एच बाय टू इत्थे एच आ, आपां की करांगे टू ना डिवाइड ते टू ना मल्टीप्लाई, तो आ टू का स्केयर हो के बाहर किन्ना आ जाना फोर, तो आ चीज़ का आंसर भी किन्ना आ गया वन,
ए दी वैल्यू किन्नी आ गई 1/2 ए आ गया साडे कोल 1/2 एक ठीक है इन्ना नोट कर लो फिर 12 13 दसता 12th क्वेश्चन देखियो फिर आपां इत्थे के दी वैल्यू लभनी जी किदां लिखांगे आपां लिखांगे लिमिट x अप्रोचिस टू पाई बाय 2 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पाई बाय 2 जदों कंटीन्यूअस हो इदां लिख देईदा नैक्सट देखियो ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦੇਈਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਪੈ ਜਾਣਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਪਾਈ ਬਾਏ 2 x approaches to pi by 2 positive ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ k cos x ਓਵਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ pi minus 2x k ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ pi by 2 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 3 ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ h ਦੇ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਆ ਪਹਿਲੋਂ x approaches to pi by 2 positive ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ h approaches to 0 ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਪਾਈ ਬਾਏ 2 ਪਲੱਸ ਐਚ ਪਾਈ ਬਾਏ 2 ਪਲੱਸ ਐਚ ਹੇਠਾਂ ਪਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਪਾਈ ਬਾਏ 2 ਪਲੱਸ ਐਚ ਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ 3 ਦੇ ਕੋਸ 90 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ cos 90 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ sin ਥੀਟਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਆ 90 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਆ ਵੇਖਿਓ ਆ 90 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੂਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਕੀ ਆਉਣਾ ਜੇ ਮਾਈਨਸ k cos 90 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ sin ਥੀਟਾ sin ਥੀਟਾ ਹੇਠਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਾਈ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ 2 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਚਲੋ ਪਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਐਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 3 ਦੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਸਾਈਨ ਐਚ ਅਪੋਨ ਮਾਈਨਸ 2 ਐਚ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ 3 ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਬਾਏ ਥੀਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਮਿਟ ਐਚ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਐਚ ਬਾਏ ਐਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਕੇ ਬਾਏ ਟੂ ਇਹ ਕੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 3 ਦੇ ਅਤੇ 3 ਕੋਲ 2 ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਆਈ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 2 'ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 2 'ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਫ ਐਕਸ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਫ ਐਕਸ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 2 'ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਦੇ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿੰਨਾ ਭਰਾਂਗੇ 2x+1 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਾਂਗੇ 2x+1 ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਜੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕੇ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਐਚ ਦੇ ਟਰਮਸ 'ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ 2 ਮਾਈਨਸ ਐਚ ਪਲੱਸ 1 ਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 0 ਭਰਿਆ 2 ਜਾਂ 4 ਪਲੱਸ 1 ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 5 ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਕਲੀਅਰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਮੋਡੂਲਸ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ 2 ਜਾਣੇ ਲੱਭਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭੀ
ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਣੇ ਲੱਭਣੇ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣੇ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ ਐਗਜੈਕਟ 5 'ਤੇ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ, ਲਿਮਿਟ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 5 ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਫ ਐਕਸ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ, ਲਿਮਿਟ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 5 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਫ ਐਕਸ, ਅਤੇ ਐਗਜੈਕਟ 5 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ। ਆ ਵੇਖਿਓ, ਲਿਮਿਟ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 5 ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 5 ਅਪੋਨ ਮੋਡੂਲਸ ਪਾ ਕੇ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 5 ਪਲੱਸ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਏ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਈਕੁਅਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦੇ, ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਲਿਮਿਟ ਐਕਸ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 5 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 5 ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 5 ਪਲੱਸ ਬੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਐਚ ਦੇ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਦੋਂ ਮੋਡੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਦੋਂ ਮੋਡੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ 1। ਆ ਵੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਏ ਆ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਏ, ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ, ਏ ਨਾ ਏ ਕੈਂਸਲ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ 1। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, 1 ਆ ਗਿਆ, ਬੀ ਨਾ ਬੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 1। ਠੀਕ,